मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम लोगों को प्रभु क्या सिखाते हैं कि दान देना चाहिए। हमें हर एक लोगों का मदद करना चाहिए। कहीं भी कोई भी कोई परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई गरीब हो, उनको मदद करना चाहिए हमको। और हमको हमेशा दान करना चाहिए। हमको दशमांश देना चाहिए प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु के मंदिर के निर्माण के लिए। हमको दशमांश देना चाहिए। प्रभु हमें इन सभी चीज़ों के लिए बताते हैं बाइबल में, हम सभी को सिखाते हैं कि हमको दान देना चाहिए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेंगलोर में ईसाई समुदाय के लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये का दान दिया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, उस टॉपिक पे जाने से पहले हम एक वचन को निकालते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 7 को हम पढ़ते हैं। उस समय सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की पहाड़ी पर मोआबियों के घृणित देवता कामोश के लिए और अमोनियों के घृणित देवता मोलेक के लिए एक एक मंदिर बनवाया। 9वां वचन पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु सुलेमान पर क्रोध हुआ, क्योंकि वह इज़राइल के प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सुलेमान क्या किया था कि किसी अन्य देवी देवताओं का मंदिर बनवाया था। इसलिए प्रभु उस पर क्रोध हुआ, क्योंकि वह प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चलते। प्रभु उनको बहुत सारी चीज़ें दिए थे, धन दौलत बुद्धि विवेक सारा चीज़ उसको दिया था, लेकिन फिर भी वे भटक गए और प्रभु की आज्ञा के खिलाफ वो दूसरे देवी देवताओं को मानने लगे और उसके लिए एक एक मंदिर बनवाए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, और जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम किसी भी धर्म को कोई ठेस पहुंचाने नहीं आए हैं, ना ही हम उस धर्म के बारे में कुछ बोलने आए हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम आप लोगों के लिए प्रभु के वचनों के द्वारा कुछ संदेश लेकर आए हैं और कुछ सिखाने के लिए आए हैं। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारे चीज़ मालूम हो जाएगा कि हम आपको क्या बताने क्या सिखाने आए हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम लोग संसार में रहते हैं, हम लोग सांसारिक रीति रिवाजों से चलते हैं, जीते हैं, लेकिन हम जब प्रभु को मान लेते हैं, प्रभु जान के हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु को, प्रभु यीशु को, तो उसके बाद हमको उसकी आज्ञाओं के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार हमको चलना होता है। तो प्रभु हमें क्या सिखाते हैं? क्या प्रभु हमको दान देने के लिए कहते हैं? तो मेरे दोस्तों, प्रभु हमको दान देने के लिए कहते हैं प्रभु के भवन में या प्रभु के कार्यों के लिए। हम दान दे सकते हैं, उसकी महिमा के लिए हम दान दे सकते हैं और एक दूसरे की हम मदद कर सकते हैं। इसी तरह मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम लोगों को दान देना चाहिए, दशमांश देना चाहिए, लेकिन जब हम गांव घर में रहते हैं, गांव में रहने के कारण हम लोगों पर दबाव दिया जाता है कि वो लोग किसी अन्य देवी देवताओं को मानते हैं, तो उसको भी हमको चंदा देना पड़ता है। वो लोग मांगने आते हैं, हमको दबाव के कारण हमको देना पड़ता है। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई, हम आप लोगों को यही बताने आए कि जब भी आपके गांव में कोई भी चंदा मांगे, कोई भी अन्य देवी देवताओं के लिए, उसके महिमा के लिए, उसके पूजा देने के लिए, तो हम लोगों को नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोगों को देना पड़ता है, तो हम लोग ये बोल के दे सकते हैं कि हम लोग केवल इस गांव के रीति रिवाजों के अनुसार, इस गांव में रहने के कारण हम ये चंदा दे रहे हैं, वरना हम किसी अन्य देवी देवताओं के लिए नहीं देंगे। ऐसा बोल के हमको देना है उन लोगों को चंदा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई, हम आप लोगों को यही बताने के लिए आए हैं। और हम पढ़ते हैं कि बेंगलोर में जो ईसाई समुदाय के लोगों ने दान दिया है, वह किस प्रकार है, कैसे दान दिया, क्या है, वो सारी चीज़ें हम अभी आप लोगों को बताते हैं। बेंगलोर में ईसाई समाज के गणमान्य व्यक्तियों के एक समूह ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये का दान दिया है। ये बात कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री अश्वथ नारायण ने कही है। नारायण ने कही, ईसाई समाज के कुछ लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये का दान दिया है। दान देने वालों में प्रमुख रूप से कारोबार, शिक्षाविद, मार्केटिंग से जुड़े हुए प्रोफेशनल शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि भाजपा सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये बातें 2-3 महीने पुरानी है, लेकिन हम लोगों को इन बातों से कुछ सीखना है, कुछ जानना है। हम लोगों को केवल परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों के लिए ही दान करना है, उनके कार्यों के लिए ही सारा चीज़ करना है। जो कुछ भी करते हैं, हम परमेश्वर के लिए ही करते हैं। और अगर हम किसी अन्य देवी देवताओं का मंदिर बनवाते हैं, तो परमेश्वर हमसे नाराज़ होते हैं, या किसी अन्य देवी देवताओं के लिए हम कोई दान देते हैं या कुछ भी करते हैं उनके लिए, तो परमेश्वर हमसे नाराज़ होता है। लेकिन ये जो बेंगलोर में ईसाई समाज के कुछ लोगों ने जो दान दिया है, ये सरकार के कार्यों के लिए दिया है। अब सरकार इन्हें किस जगह यूज करे और वो सरकार जाने, लेकिन उप मुख्यमंत्री, कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो लोग बता रहे हैं कि वे लोग 1 करोड़ रुपया राम मंदिर के निर्माण के लिए दिए हैं। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम आप लोगों को बता दें कि हम लोगों को कभी भी
किसी अन्य देवी देवताओं के मंदिर के निर्माण के लिए या उसके कुछ कार्यों के लिए हमको दान नहीं देना चाहिए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम आप लोगों को यही बताने के लिए आए थे कि किसी अन्य देवी देवताओं के लिए हमें कोई भी दान, कोई भी कुछ भी नहीं देना है। हमको केवल गरीब लोगों की हेल्प करनी है और परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए ही दान देना है या कुछ भी करना है। उन्हीं के लिए हमको सब चीज़ करना है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबको जय मसीह की।